नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूँ अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। कलेक्टर दीपक आर्य ने दी व्यापारियों को हिदायत, 15 दिन में सुधर जाए वरना होगी बड़ी कार्रवाई। प्रशासन की टीम का सहयोग नहीं करने और शासकीय काम में बाधा पहुंचाने के मामले में कायनात होटल के संचालक सहित 6 पर मामला दर्ज। जिला अस्पताल को 6 डायलिसिस मशीन मॉड्यूलर ऑटिस की सौगात। 200 सरपंच सचिव को वसूली का नोटिस, समय पर राशि जमा नहीं करवाने वाले जाएंगे जेल। जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन, 50 छात्राओं का हुआ संभाग स्तर पर चयन। लालबर्रा में अधिकारियों ने किया निरीक्षण, सफाई व्यवस्था के लिए दिए निर्देश। और 7 दिन में खुशखबरी की बारिश, जिले के सभी छोटे बड़े जलाशय 80% भरे। और अब खबरें विस्तार से। प्रशासन द्वारा बीते सप्ताह के दौरान की गई ताबड़तोड़ कार्रवाई के विषय में विस्तृत जानकारी देने के लिए कलेक्टर दीपक आर्य द्वारा पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी और जिला पंचायत सीईओ रजनी सिंह की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। कलेक्टर दीपक आर्य द्वारा दो टूक शब्दों में कह दिया गया है कि 15 दिनों का टाइम जिले भर के होटल संचालकों, खाद्य सामग्री विक्रेताओं को और दिया जा रहा है, उसके बाद पुनः कार्रवाई शुरू की जाएगी। जिले के लोगों ने अभी केवल ट्रेलर देखा है, पूरी की पूरी पिक्चर अभी बाकी है। नहीं, उन्हें होने वाली बात ये की ये है कि जो शासन का सहयोग करेगा शासन उसका सहयोग करेगा। हो जाएगी। आ जाओ FIR मतलब ऐसी करना जिससे कि ऐसा नहीं होगा, प्रशासनिक अमला वापस नहीं होगा। देखो मैं आपसे फिर बता रहा हूँ कि जो सहयोग नहीं करेगा उसका बिल्कुल सहयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। ये बिल्कुल शासकीय मामला है ये, जो कि बाकी सब लोग सुधार के लिए है। एक व्यवसायियों का प्रतिनिधिमंडल मुझसे आगे मिला था आज, मैंने बता दिया कि अगले 15 दिन तक मैं आपको समय दे रहा हूँ और मैं आपको सारी चेकलिस्ट दे रहा हूँ कि क्या क्या चीजें आपको सुधार करनी है, वो चीजें वो ठीक है। तो उनको 15 दिन का अवसर दिया गया, सारी चीजें क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट्स उनसे क्या क्या होंगी, क्या क्या अपेक्षा उनसे है, वो सारी चीजें समय होगा, उन 15 दिनों में सुधार करेंगे। उसके बाद होगा तो फिर से कार्रवाई पुनः शुरू करी जाएगी, फिर से एक बार सबकी जांच की जाएगी, फिर से एक बार फिर कार्रवाई की जाएगी। एक ट्रेलर था, पिक्चर बाद में दिखाई जाएगी, ठीक है। तक चली इस जंबो प्रेस वार्ता में कलेक्टर दीपक आर्य ने जिले के भीतर खाद्य प्रतिष्ठान, उसकी बिक्री, उसके प्रबंधन और उस पर की गई कार्यवाही पर विस्तृत से चर्चा की। शुक्रवार के दिन बैहर रोड स्थित होटल कायनात में कार्यवाही के दौरान शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने के मामले में सभी आरोपियों पर FIR दर्ज करने, वीडियो फुटेज, फोटो, CCTV फुटेज सभी के आधार पर आरोपियों की पहचान कर ली जाने की जानकारी दी, ठीक है। बाद में आप कल वाली कार्रवाई की कर रहे हैं, कल वाली कार्रवाई में आप ये मान के चलिए कि स्थिति ये थी कि भाई शासकीय कार्य में यदि बल का प्रयोग करना बहुत बड़ी बात नहीं है कोई भी, ठीक है, लेकिन बल का प्रयोग करे बिना जो काम आसानी से हो सकता है उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये मैं मान के चलिएगा आप लोग कि बल का प्रयोग अगर हमने करना शुरू कर दिया तो बल का प्रयोग हर जगह किया जा सकता है, जो कि बहुत सजेस्टिव नहीं होता है, ठीक है, बस इसलिए। लेकिन उनको जो भी व्यक्ति उसमें आएंगे, क्योंकि उन्होंने शासकीय कार्य में बाधा डाली है, उनको उनसे ज्यादा समस्या होगी क्योंकि उनके खिलाफ FIR दर्ज करी जाएगी, ये पक्का है, तय है। आज शायद FIR दर्ज कर दी, CMO को FIR दर्ज करनी है और CMO आज मीटिंग में चले गए, रिकॉर्ड सारा कर दिया गया, सारी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है, ठीक है, हर किसी के नाम चिन्ह लेते हैं, हर किसी के चेहरे उसमें देख रहे हैं, पूरी कार्रवाई जो हुई है, जो जमीन पर लेटे हैं वो सारी सारी आप लोगों ने फोटो में भी छापे और हमारे जो फोटोग्राफर है, वीडियोग्राफी हम लोगों ने उसी कार्रवाई हुई है, ये है। तो थोड़ा सा भरोसा रखिए, कार्रवाई जरूर होगी और सख्त कार्रवाई होगी। कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि शहर की अशोक बेकरी सहित अन्य दुकानों के गोदाम सील किए गए हैं। इस दौरान उन्हें खाद्य सामग्री, फल दुकान से फलों को निकालने की अनुमति दी गई थी, बिक्री योग्य बचे फलों को ही बाजार में भिजवाया गया। उन्होंने बताया कि व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने आया था, जिस पर उनसे सीधे चर्चा हुई कि वे जल्द से जल्द लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी करवा लें, मापदंड के अनुसार कार्य करें, लोगों के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें जिससे कार्रवाई करने की नौबत ना आए। नहीं, वो इसलिए क्योंकि वो फल थे उनको निकलवाने की अनुमति दी, सबको दी है, उनको अकेले किसी अकेले को नहीं दिया है। सील करने का मतलब यह है कि आगे व्यवसाय नहीं करेंगे, सिर्फ वो जो फल अंदर पड़ा है वो तो और सड़ जाएगा और खराब हो जाएगा, इसलिए उसमें से जो बिक्री होंगे उनको अनुमति दी गई है।
लाइसेंस देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अपना, उसके बाद वो करेंगे। और मैं आज बताया ना आपको कि आज हम लोगों ने बनाया, सोमवार तक इनको सारे नियम दे दूंगा। मैं भी सारे जो प्रतिनिधिमंडल मिला था व्यवसायियों का, उनको मैंने बताया है कि जितनी चीजें हैं, जैसे मतलब खाद्य में क्या क्या चीजें आवश्यक है, वो चीजें चेकलिस्ट पूरी, जो अन्य ट्रेडिंग वाले हैं उनको क्या करना है, फल का व्यवसाय जो कर रहा है उनको क्या करना है, तो ये सब चीजें उनके पास रहेंगी और अगले 15 दिन में उनको कंप्लायंस उस पर करवाना है। बेसिकली ये जो मेजर था करेक्टिव मेजर था, मतलब बाकी सब लोगों को सुधारने के लिए था कि जैसे लोग सुधर जाएं, और जो खाना पीना जो दूषित खाना बच्चे खा रहे थे, जो जो केमिकल मिला हुआ बच्चे लोग हम लोग खा रहे थे, वो खाना ना मिले, इसलिए किया गया था। शहर के भीतर 22 आरओ संचालित हैं, जिसमें से केवल 5 के पास लाइसेंस हैं। 17 आरओ बिना लाइसेंस के संचालित हो रहे हैं, जिस पर रविवार और सोमवार को कार्यवाही की जाएगी। नगरपालिका के भवन में आरओ संचालन की अनुमति देने वाले तत्कालीन सीएमओ नगरपालिका पर कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए कलेक्टर द्वारा शासन को पत्र लिख दिया गया है। आप लोगों से हम लोगों सारी चीज सोच रखी है, वो सोच रही है, मतलब तो पेपर सबके तैयार होते जा रहे हैं, सबकी वो है। कलेक्टर दीपक आर्य ने बार बार इस बात को माना कि जिले के भीतर खाद्य विभाग की टीम बेहद लापरवाही पूर्ण काम कर रही थी, या यूं कहें कि काम ही नहीं कर रही थी। इसका नतीजा ये है कि इतनी बड़ी संख्या में लापरवाही सामने आ रही है। इस विषय पर उनके द्वारा वरिष्ठ स्तर पर पत्र लिख दिया गया है, और एक जानकारी यह भी दी गई है कि पहले पूरे प्रदेश में खाद्य सामग्री की जांच के लिए मात्र एक लैब हुआ करती थी, अब हर संभाग में शासन द्वारा लैब खोली जा रही है। पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कलेक्टर श्री आर्य ने बताया कि आटा और मैदा की बोरी के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी जाए, इसके लिए संबंधित कंपनियों से पत्र व्यवहार किया जाएगा। कि इसमें जिम्मेदारी तय की जाएगी, ठीक है, जो भी संबंधित हैं उनकी जिम्मेदारी इसमें बिल्कुल तय की जाएगी। अब ये समय तो मिलेगा ना, अगले 7-8 दिन तक तो धड़ाधड़ कार्रवाई का समय चल रहा था, अब जब थोड़ा सा रेस्ट पीरियड आया तो रेस्ट पीरियड में उनके खिलाफ कहाँ कहाँ उनकी अनियमितताएं पाई गई, कहाँ कहाँ शिकायतें पाई गई, जो भी संबंधित है उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए शासन को लिखा जाए, जो भी मतलब उनके संबंधित अनुशासन जो भी उनके सक्षम अधिकारी हैं उनको लिखा जाएगा। मंगलवार को शहर के भीतर दुकान बंद होने के विषय में उन्होंने बताया कि गुमास्ता एक्ट का कड़ाई से पालन हो, इस विषय पर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है। बालाघाट गोंदिया रोड के हालात इन दिनों किसी से छुपे नहीं हैं, इसीलिए कलेक्टर दीपक आर्य द्वारा भी एक नहीं 3-3 बार संबंधित विभागों को पत्र लिखा जा चुका है, बावजूद इसके कार्यवाही नहीं हो रही है। आपके सिविल लाइन चौक है, सीएमओ ने परसों सारे सीएमओ ने सारा भ्रमण किया है, परसों एक एक घंटे का जनागर उन्होंने कर दिया है, अभी वो और आदेश उन्होंने कर दिया है, टेंडर लगाया कुछ एक मत होता है इसमें करने वाले हैं, ये लोग अगले 5-7 दिन में कार्रवाई करेंगे, क्योंकि गीला बहुत है, अभी हम लोग जमाते भी उसके ऊपर तो वो टिकेगा नहीं। बालाघाट गोंदिया रोड के बद से बदतर हालात। बालाघाट गोंदिया के बीच घिसरली नदी पर स्थित पुल पर पड़े गड्ढे के विषय में कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि यह सड़क पहले तक MPRDC के पास थी, कुछ महीने पहले NHI को हस्तांतरित हो गई है, NHI DPR बनाने का काम कर रहा है और यह सड़क अब लगभग उन्हीं के पास है। ऐसे में उनके द्वारा सड़क की मरम्मत के लिए दोनों ही विभागों को पत्र व्यवहार किया जा चुका है, लेकिन अब तक सार्थक परिणाम सामने नहीं आए हैं। मैं उसको 3 बार लिख चुका हूँ उसके लिए, ठीक है, लेकिन वो रोड में एक समस्या ये हो गई है कि वो रोड NH के पास चली गई है जी, तो अभी वो MPRDC का रोड है जी, और NH अब वहाँ पे नेशनल हाईवे बनने वाला है, आप सबको बताया है, तो अब NH को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया है, नेशनल हाईवे वहाँ पे मेंटेनेंस कर ले रहा है और MPRDC से बजट ले रहा है, ये समस्या है। ये बाग नदी पे जो पुल बना है, चलिए मैं देखवा सर, इतना सा मामला है।
जिले के भीतर शराब की अवैध तस्करी लगातार चल रही है। बीते दिनों ही शराब से भरा एक ट्रक पलट गया, जिसके बाद जानकारी मिली कि ट्रक में अवैध रूप से शराब का परिवहन किया जा रहा था। एसपी अभिषेक तिवारी ने बताया कि पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। शराब ठेकेदार का वाहन जब्त कर लिया गया है, ड्राइवर गिरफ्तार हो गया है, वही मालिक फरार है, जिसकी लगातार खोजबीन की जा रही है। ड्राइवर को पकड़ा गया है, तो ड्राइवर से ये पता लगा रहे हैं पुलिस नाकाम रही कि वो कहां से माल ला रहा था, कहां ले जा रहा था। ड्राइवर ने अपने मालिक का नाम बताया है, उस मालिक की तलाश चल रही है, वो अभी अपने घर पे है नहीं, उसका वारंट भी निकला हुआ है, वो मालिक जैसे पकड़ा जाएगा आगे का बताएगा। जिला अस्पताल को आगामी दिनों में एक दर्जन से अधिक बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जिसके साथ ही पूरे के पूरे अस्पताल का कायाकल्प, अत्याधुनिक मशीनों का लाभ जिले भर के लोगों को मिलेगा। कलेक्टर दीपक आर्य द्वारा लगातार जिला अस्पताल का निरीक्षण और उसके सुधार के लिए किए जा रहे कार्य, वरिष्ठ स्तर पर पत्राचार का नतीजा है कि सिटी स्कैन मशीन, 6 डायलिसिस मशीन, मॉड्यूलर ओटिस, इमरजेंसी और कैजुअल्टी वार्ड, NRC निर्माण, लेबर रूम निर्माण कार्य, गंदगी से निजात पाने के लिए ड्रेनेज सिस्टम के टेंडर लगा दिया गया है। इसके साथ ही अस्पताल पहुंचने वाले मरीज को मिलने वाली हर सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है। वो एक तो ये है कि जिला अस्पताल को शासन से हम लोगों ने 4 जो है मॉड्यूलर ओटीज वो सेंसर स्वीकृत करवाए, हालांकि वो सब जिलों के होने वाले थे, लेकिन बालाघाट में पीछे पड़ के प्रयास करके वो हम लोगों को सबसे पहले मिल गए हैं और उनका मेजरमेंट हो चुका है। अगले 1.5 महीने में, 1.5-2 महीने के अंदर वो सारे इंस्टॉल हो जाएंगे 4 मॉड्यूलर ओटीज। आज ही हमारा सिटी स्कैन वाला जो काफी दिनों से गायब था, आज हमने पकड़ के उसको बुलाया है। आज ही सिटी स्कैन का काम भी आज से शुरू हो जाएगा, उसमें कल से शुरू हो जाएगा काम सिटी स्कैन का। वो एक बड़ा जरूरत थी शहर की। बाकी हम लोगों ने अभी, आप लोगों ने अगर शायद देखा हो तो कुछ लोग विजिट में रेगुलरली करते हैं मेरे साथ में, कई सारे लोग जाते रहते हैं, तो पूरा का पूरा इमरजेंसी विंग और कैजुअल्टी वार्ड जो हमने पूरा नया बनाया है, NRC सुसज्जित NRC हम लोगों ने बनाया, जो कि मुझे लगता है कि वो तो गारंटेड मध्य प्रदेश का अनपैरेलल है। वो मध्य प्रदेश में पहला ही अपने तरीके का NRC है, जो कि कुछ दिनों बस थोड़ा सा काम उसमें और बचा है, उसको हम लोग फंक्शनल कर देंगे। तो आप सभी को स्वागत है कि एक बार जाकर के उसको जरूर देखिए। और दूसरा लक्ष्य के अंतर्गत अभी हम लोगों का जो निर्माण कार्य चल रहा है लेबर रूम का, लक्ष्य के अंतर्गत लेबर रूम का निर्माण कार्य चल रहा है, अगले 3-4 दिनों में वो पूर्ण हो जाएगा। वो भी एक अच्छा काम जिले में जिला अस्पताल में आप सभी के सहयोग से हुआ है। उसके बाद जिला अस्पताल में जो ड्रेनेज सिस्टम है, उसके लिए टेंडर हम लोगों ने लगा दिया है अभी, तो ड्रेनेज सिस्टम जो है सबसे ज्यादा बुरी हालत, अगर आप देखेंगे तो गंदगी, कीचड़ सब दिखती है आपको। जिले के भीतर सोसाइटियों के माध्यम से किसानों को कृषक किंग गोल्ड नामक खाद्य मनमाने तरीके से वितरण किया जा रहा है, जिसकी जांच शनिवार को ही पूर्ण की गई, जल्द कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर दीपक आर्य बताते हैं कि इस पूरे प्रकरण में सोसाइटी प्रबंधक जिम्मेदार हैं। जैसे ही कृषक किंग गोल्ड की जांच शुरू होती है, वह जांच को भ्रमित करने दूसरे मामले सामने ला देते हैं। इस पूरे मामले की जांच हो चुकी है, जल्द ही इसका पूरा खुलासा किया जाएगा। वो सारे किसान वही लोग हैं जो कृषक जैम गोल्ड के भी जिम्मेदार हैं। तो जब कृषक जैम गोल्ड की जांच जब खुलती है, तो उनको वापस परेशानी होने लगती है, तो वापस उठा के धान पे ले आते हैं मामला। आप समझे उस बात को, ठीक है ना? मेरे पास बहुत ज्यादा किसान नहीं आते इस बात को लेकर। ये दूसरी बात बता रहा हूँ, मेरे पास बहुत लिमिटेड किसान आए हैं, मैं उनको बताया है। तो ये सब सारा का सारा जो है सोसाइटी प्रबंधकों की किया धरा है। जब दोनों जांच एक साथ आ गई उनके पास, तब उनको परेशानी हुई, तो जब इसकी जांच करना शुरू करता हूँ मैं, तो वो उठाकर धान में पहुंचाते हैं, धान पे अपना पूरा ध्यान धान में डाइवर्ट कर देते हैं। पूरा देना पड़ेगा, जिम्मेदार वो है इस चीज की। मेरी जांच फैक्ट्स के आधार पर होती है, मैं आपको बताऊँ, मेरी जांच के आश्वासन के आधार पर नहीं कर सकता मैं, या अपने अनुमान के आधार पर नहीं कर सकता। मेरी जांच जो है वो ये थी कि किन किन सोसाइटी में कृषक के जैम गोल्ड का उपयोग किया गया और कितना कितना किया गया, किस किस किसान के लोन खाते से पैसे काटे गए, किस किसान के ऋण खाते से पैसे काटे गए, ये जानकारी ये जांच मैंने दे दी है। रिपोर्ट में भेज दी है, वो अभी सरकारी प्रतिवेदन है, जैसे वहां से कुछ भी लेना होगा उसका मैं आपको बताऊँ। शहर के भीतर लगातार मवेशी सुअर के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसे देखते हुए बीते दिनों से नगरपालिका द्वारा लगातार मवेशियों को पकड़कर कांजी हाउस में बंद किया जा रहा है। कलेक्टर दीपक आर्य, नगरपालिका CMO दिनेश वाघमारे को नगरीन अधिनियम के तहत मवेशियों को शहर से बाहर करने के लिए निर्देशित किया है। इस विषय पर कलेक्टर श्री आर्य ने बताया कि बारिश के बाद इस विषय पर कार्यवाही की जाएगी। उससे पहले CMO को मैंने बताया है, ये अपना अधिनियम है, नगरीय अधिनियम है, उसके अंतर्गत एक सर्कुलर जारी हुआ है, जिसके अनुसार ना तो आपके जानवर के बाड़े जो है वो शहरी क्षेत्र में नहीं हो सकते। अभी चूंकि बरसात का मौसम है,
ठीक है, जैसे ही ये थोड़ा सा सीधे खुलेगा और जब भेज पाएंगे तो उसके खिलाफ कार्रवाई की बड़ा तकलीफ, वो मर जाते हैं। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, अब तक देखो वो चल रहा था, लेकिन अब मैं इसमें इसके बाद कार्रवाई इसमें की जानी, ठीक है, इसके बाद कर दिया, ठीक है, क्योंकि जैसे होता है अमानवीय हो जाता है, प्रशासन लोगों को घर हटा दिया, ये हटा दिया, फिर वो नेगेटिव में वो समझ गया, मैं आपको बता रहा हूँ इसमें उस पर अभी कार्रवाई का नंबर से आएगा ना सारा, एक बार अतिक्रमण की कार्रवाई, एक बार खाद्य की कार्रवाई, अब जानवर की कार्रवाई, जिला पंचायत द्वारा पंचायत में विकास कार्य के लिए जारी की जाने वाली राशि वापस नहीं करने वाले जिले के 2 सैकड़ा सरपंच सचिवों को वसूली का नोटिस जारी किया गया है। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी रजनी सिंह ने बताया कि बीते दिनों 2 सरपंच और 3 सचिव को लंबे दिनों से वसूली लंबित होने की वजह से जेल भेजा गया है। लगातार इस विषय पर जांच चल रही है और बहुत अधिक लंबित मामले पर सरपंच सचिव पर कार्रवाई की जा रही है। आरसीसी कार्रवाई नहीं है, वो वसूली है, आरआरसी तहसील में जारी करते हैं, हम लोग नहीं कर सकते हैं, वसूली है, बहुत समय से पेंडिंग थी, लगभग 4-4 साल से पेंडिंग थे केसेस, और उसमें वसूली मतलब केवल वो जो सरपंच सचिव थे वो बहाने की आज नहीं कल करेंगे या नहीं है, तो मेरे ख्याल से 5 लोगों को भेजा है, उसमें शायद 2 सरपंच थे और 3 सचिव और नहीं है, मैं फिर आपसे कह रही हूँ कि हम सबको उठा के जेल नहीं भेज सकते हैं, कि पूरे उठा के भेज दें, देखना पड़ता है किस कौन सा प्रकरण है जो बहुत सीरियस है, जिसमें ज़्यादा ही अनियमितता है या बहुत लंबे समय से पेंडिंग है, या स्पष्ट है कि जाँच हो चुकी है, स्पष्ट है कि उसने कुछ गलत किया है। बहुत सारे ऐसे प्रकरण भी हैं, क्योंकि SDM साहब के यहाँ से यहाँ शिफ्ट जिला पंचायत में शिफ्ट हुए हैं पिछले 1.5 साल में, तो कई जगह जांच अभी अच्छे से हुई नहीं है, जांच में कुछ आपत्तियाँ हैं पार्टी को, तो वो हमको निराकरण करना पड़ता है पहले, उसके बाद ही हम निर्णय ले पाते हैं। जिले के भीतर इस बार मानसून भले ही देरी से आया हो, लेकिन उसके बाद जो बारिश का दौर एक बार शुरू हुआ तो लगातार किसानों को राहत देते रहा। इस बीच 1 सितंबर से एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हुआ, जो 7 सितंबर तक खुशखबरी लेकर आया है। खुशखबरी यह कि जिले के सभी बड़े छोटे और बड़े जलाशय 80% से अधिक भर चुके हैं। आपको बता दें कि महज 7 दिनों के भीतर इतनी तेज बारिश हुई कि इस सीजन में पहली बार 1 सितंबर को जिला मुख्यालय में जल भराव जैसी स्थिति निर्मित हो गई। तो वहीं जिले के सभी जलाशयों में महज 7 दिन की बारिश के दौरान 25-30% से अधिक जलभराव हो गया, जिससे सराठी जलाशय, मुरुम नाला, शावरपानी, गांगुलपारा सहित जिले के सभी माइनर तालाब में 80% जल से अधिक भर गए हैं। सिंचाई विभाग के अधिकारी भी राहत के साथ बताते हैं कि रवि और खरीफ दोनों फसलों के लिए सभी बड़े जलाशय से जल प्रदाय किया जा सकता है। निश्चित ही खबर जिले के हजारों किसानों के लिए राहत वाली होगी। जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री SS गहरवार बताते हैं कि इस बार भले ही मानसून देरी से आया हो, लेकिन उसके बाद लगातार बारिश का दौर जारी रहा। इस बीच 1 सितंबर के बाद थोड़े समय के लिए ही बारिश हुई हो, लेकिन बारिश का वेग बहुत अधिक था, जिस कारण बहुत ही कम दिनों में बहुत जल्दी जलाशय भर गए। अपनों के द्वारा ठुकराई गई नागपुर निवासी सरस्वती कुंभारे को हमदर्द हेल्पलाइन पुलिस के द्वारा एक बार फिर भटेरा चौक स्थित सहारा वृद्ध आश्रम में पहुँचाया गया है। आपको बताएं कि सरस्वती कुंभारे को मानसिक तौर पर अस्वस्थ बताया गया, जिसके चलते वह काफी दिनों से नगर के हनुमान चौक में बैठकर नरकीय जीवन जी रही थी। हालांकि उसकी मानसिक अस्वस्थता को लेकर चिकित्सकों के द्वारा स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। सरस्वती कुंभारे को प्रशासन के निर्देशों के तहत इसके पूर्व भी सहारा वृद्धाश्रम में पहुंचाया गया था, लेकिन 6 महीना गुजारने के बाद एक बार फिर वह रोड पर आ गई। पदवेश न्यूज ने जब इस वृद्ध महिला से चर्चा की तो उसने बताया कि वह वृद्ध आश्रम में काफी महीनों से रह रही थी, लेकिन उसे परेशान किया जाता था, इसलिए उसने वृद्ध आश्रम को छोड़ दिया था। नाम क्या है? नाम अच्छा, नागपुर में रहते हो क्या? हाँ। अच्छा, इसके पहले आप वृद्धाश्रम में थे तो वहाँ छोड़ के यहाँ क्यों आ गए? अच्छा, कितने दिन रहे हो? 6 महीने रहे हो? 6 महीने 8 दिन। अच्छा, किसने छोड़ा था तुमको वहाँ पर? वहाँ पर ये अपने हमदर्द वालों ने बोले वो। अच्छा, पुलिस वाले ने लाने थे बोले। अच्छा, उनको बात नहीं थी, इतने पुलिस वाले भी बेचारे अकेले कहीं नहीं गए, हमको लाने बताते बोले।
वहाँ पर रहना था ना, यहाँ क्यों आ गए? नहीं पापा वहाँ नहीं रहती, मर जाऊंगी, अच्छा हो गया तो मैं तो बस टूट गई। तो यहाँ पर रहते हो तो यहाँ दिक्कत नहीं होती क्या? वहाँ तो सब खाना वाना सब मिलता है ना, वहाँ रहते हो तो मेरे को खाने की कुछ जरूरत नहीं है। तो यहीं रहोगे? नहीं अब जाऊँगी ना, 7 साल हुए। अच्छा 7 साल से आप यहीं हो बालाघाट में? पूरा जंगल घूमना हुआ। अच्छा तो घर वाले नहीं आते क्या लेने के लिए? मालूम नहीं है कहाँ के रहने वाले हो तुम। हाँ वहीं इस मामले में सहारा वृद्ध आश्रम के संचालक धनेंद्र हनवत का क्या कहना है आइए जानते हैं। हमदर्द हेल्पलाइन के द्वारा एक हनुमान चौक में महिला बैठी रहती थी, उसको हमारे यहाँ लाया गया। लाने के बाद हमने बताया कि भाई ये महिला की जो मानसिक स्थिति सही नहीं है, इसका पहले तो मेडिकल जाँच कराया जाए, इसका ट्रीटमेंट कराया जाए और ये मानसिक रूप से सही हो जाती उसके बाद ही हम इसको रख सकते, नहीं तो नहीं रख सकते। उनको ने वैकल्पिक व्यवस्था के लिए हमारे यहाँ रखा और कहा कि भाई हम ठीक है, इसके घर वालों के बारे में इसके परिवार के बारे में पता लगा करके हम उसका इलाज कराएंगे और हो सके तो उसका पुनर्वास कराएंगे, अगर कोई अगर नहीं मिलता है तो यहाँ रखेंगे। हमारा ये कहना है कि हमारा जो वृद्धाश्रम है वो मानसिक रूप से स्वस्थ वृद्ध महिला और पुरुषों के लिए, मानसिक रूप से ग्रसित व्यक्ति को हम नहीं रख सकते। अगर रखते हैं तो हमारे पास में ऐसे ऐसे बुजुर्ग हैं जो शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं, वृद्ध हैं, उनके हाथ पर विकलांगता की तरह है और ऐसी स्थिति में अगर कोई मानसिक रूप से ग्रसित आदमी उन बुजुर्गों को नुकसान पहुंचा सकता है जिसके वजह से उनको गंभीर चोटें आ सकती है, गंभीर दुर्घटना घट सकती है। इसलिए हम ऐसे वृद्ध पुरुष या महिला को नहीं रख सकते क्योंकि मानसिक स्थिति उनकी सही। वहीं दूरभाष पर चर्चा के दौरान हमदर्द हेल्पलाइन के प्रभारी हरिलाल उइके ने बताया कि प्रशासनिक आदेश के तहत उन्होंने सरस्वती कुंभारे को वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया था और वृद्ध आश्रम के संचालक को हिदायत दी गई थी कि वहां वृद्ध महिला का ख्याल रखे, लेकिन हमें जानकारी मिली कि वृद्ध महिला आश्रम को छोड़कर पुनः हनुमान चौक जा पहुंची है, जिसकी जानकारी लेते हुए महिला को पुनः वृद्ध आश्रम में पहुंचाया गया है। वहीं जिला प्रशासन को आवेदन के माध्यम से पूरी वस्तु स्थिति से अवगत कराया गया। इसके अलावा मानसिक अवस्था को लेकर उन्होंने जिला अस्पताल के चिकित्सक से महिला की जाँच भी करवाई, वह मानसिक तौर पर पूरी तरह से अस्वस्थ नहीं बताई गई है। वहीं इस मामले में दूरभाष पर चर्चा के दौरान चिकित्सक अरुण लांजेवार ने बताया कि महिला की जांच में यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि महिला वाकई में मानसिक तौर पर अस्वस्थ है, क्योंकि वह अपने विषय में हर बातें बता रही है। उसको 5-1 महीने हो गए यार, तो क्या लगता है कि पागल है या नहीं? नहीं पागल नहीं है, समझदार है, लगता है कि बाल बच्ची ने उसको भगा दी, बहुत समझदार है, किसी से कुछ मंगती भी नहीं है। अच्छा ये कितने महीने हो गए लगभग? करीब करीब 6-5 महीने तो फाइनली हो गए। कभी तो पुलिस वाले आए थे? हाँ, 2 बार पुलिस वालों ने आ गए, अनाथ आश्रम ले गए, फिर आ जाती बदतरी। अच्छा वहाँ से आ जाती? वहाँ से आ जाती। कभी आपसे बात करती है? हाँ बात करती है रोज रात में, हम उसको पूछते हैं खाना खाएगी क्या, तो बोलती है नहीं मैं खाना नहीं खाऊँगी, कढ़ी पिला दो, कभी लस्सी पिला दो। अरे हम वैसे भी क्या होता है, जैसे मैं काउंटर से पहले खोलता हूँ तो सबसे पहले उसको बिस्किट खिलाता हूँ, चाय पिलाता हूँ, पहला काम है मेरे यहाँ के वर्कर से पूछूँ, एक आधा पैकेट बिस्किट और एक चाय। इसके बाद में दोपहर भी थोड़ी देर के पहले मैंने अभी कढ़ी पिलाया, फिर शाम को कभी चावल थोड़ी सी दाल खाती है, फिर नाइट में कढ़ी पीती है और गर्मी भर तो खाना ही नहीं खाया उसने, 3 टाइम लस्सी पिलाता था मैं उसको। जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को बेहतर करने के उद्देश्य को लेकर आज चिकित्सकों की आवश्यक बैठक जिला अस्पताल के सभा कक्ष में रखी गई, जहां पर जिला अस्पताल से जुड़ी समस्याएं एवं सुझावों पर विचार विमर्श कर आवश्यक निर्णय लिए गए। इस बैठक में सिविल सर्जन श्री मिश्रा सहित जिला अस्पताल के तमाम चिकित्सक मौजूद रहे। बैठक के संदर्भ में सिविल सर्जन श्री मिश्रा ने बताया जिला अस्पताल की व्यवस्था को लेकर यह बैठक आहूत की गई थी। आयुष्मान योजना के प्रभारी डॉक्टर नीलेजन के द्वारा भी आवश्यक जानकारी दी गई। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि हमारे जो कलेक्टर साहब हैं वो बहुत ही ज़्यादा यंग हैं, एनर्जेटिक हैं और वे अस्पताल की पूरी कायाकल्प करना चाहते हैं। उनका एक सोच है कि इस अस्पताल का जो विकास है वो प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह मरीजों को सारी अच्छी सुविधाएं मिले, तो इस दिशा में हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग प्रशासन के साथ कदम से कदम मिला के चलें। इस हेतु अभी आप सत्ता परिवर्तन हुआ है, अभी डॉक्टर आर के मिश्रा जो है सिविल सर्जन बने, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको अभी 1 ही महीना हुआ, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम जैसा सारे लोग सोचते हैं, माननीय कलेक्टर साहब सोचते हैं, लोग सोचते हैं, उनके अनुरूप ही हम अस्पताल की छवि बनाएँ। और इस हेतु हम सारे डॉक्टर्स की आज मीटिंग भी इसलिए ली गई है कि सारे डॉक्टर्स से हम लोग ये अनुरोध भी करें
कि सारे लोग अपना जो टाइमिंग है उस पर आए, अस्पताल को बेहतर करने में अस्पताल की मदद करें। आज हम लोग अपने जिला अस्पताल के डॉक्टर्स के साथ, अपने जो सीनियर जो भी के डॉक्टर्स हैं, उनके साथ अपने मीटिंग ये बात दिया कि हमारे व्यवस्था जो है ना वैसी बहुत अच्छी चल रही है। ये चाह रहे थे कि इन लोगों सजेशन भी चाह रहे थे कि यदि इसमें और कुछ भूल चूक हम लोग मुझसे हो रही हो तो उसमें हम लोग अपन आपस में आपसी चर्चा करके उसको और अच्छी व्यवस्था करने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे थे। खेलों के प्रति छात्राओं को प्रेरित करने के अहम मकसद को लेकर नगर के रेंजर कॉलेज में एक दिवसीय जिला स्तरीय एथलेटिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के 7 विकास खंड के खिलाड़ियों ने हिस्सा लेकर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता के संदर्भ में विकास खंड खेल प्रभारी अशोक गिरी गोस्वामी के द्वारा बताया गया कि यह प्रतियोगिता एक दिवसीय है और इसमें चयनित 50 छात्राओं को संभाग में होने वाले संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा। आज जिला स्तरीय सालेक एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और इस एथलेटिक्स प्रतियोगिता में आयु वर्ग 14 वर्ष, 17 वर्ष और 19 इयर्स की गर्ल्स का चयन किया जा रहा है। और इस एथलेटिक्स प्रतियोगिता में रनिंग में जैसे 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर और 1500 मीटर, पैदल चाल में 3000 मीटर की पैदल चाल आयोजित की गई है, थ्रोज में लॉन्ग जंप, हाई जंप और शॉर्ट पुट, डिस्कस, ये सब प्रतियोगिता आयोजन किया है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों को मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट द्वारा CSR निधि से बैग और पानी की बोतल नौनिहालों को वितरित की गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी दिनेश शर्मा बताते हैं कि कलेक्टर दीपक आर्य की पहल पर कॉपर प्रोजेक्ट के CSR मद से जिले की 11 मॉडल आंगनबाड़ियों के नौनिहालों को बैग और पानी की बोतल वितरित की गई है। इसी कड़ी में बालाघाट शहर में संचालित वार्ड नंबर 11 की आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 27 में भी नौनिहालों को बैग और बॉटल का वितरण किया गया है। बाल शिक्षा केंद्र है वार्ड नंबर 11 केंद्र क्रमांक 27 जिसका 28 तारीख को उद्घाटन हुआ है अभी। इसमें CSR मदद से जो है मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट वालों ने कुछ बैग प्रोवाइड कराए हैं, कुछ पानी के बैग, वाटर बैग लिए हैं, बच्चों को आज वितरित किया गया। सर क्या सभी आंगनबाड़ियों के लिए है क्या कि मतलब? नहीं, समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए नहीं है, ये मॉडल केंद्र केवल बालाघाट ब्लॉक का ये पहला मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र है। टोटल बालाघाट जिले में ऐसे 11 मॉडल केंद्र तो 11 में वितरित किए जाएंगे। यस। जिले के भीतर किसानों द्वारा रोपाई के कुछ दिन बाद ही बीते वर्षों की तरह इस बार भी तना छेदक नामक बीमारी फैलना शुरू हो चुकी है, जिसके लिए किसानों द्वारा उपचार किया जा रहा है। कृषक बताते हैं कि लगातार हो रही बारिश और धूप नहीं निकलने की वजह से धान की फसल में इन दिनों तना छेदक का प्रकोप बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, जिस कारण उसका उपचार किया जा रहा है। लिक्विड इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि वो इल्ली भी हो गई है और तना छेदक मतलब लाल पत्ती हो रही है, उससे बीमारी ज्यादा बढ़ रही है और अच्छा साइड में फैल गई की बीमारी। हाँ, तो इसके उपाय क्या रहता है फिर? इसका उपाय फिर दवा डालो, मतलब हमला कुछ दौर उसके साथ मिला के। क्या कारण मानते हैं ये बीमारी होने? ये मौसम, मौसम के हिसाब से पानी गिरने, लगातार पानी गिरने की वजह से। हाँ, मौसम साफ नहीं मिल रहा ना। अच्छा, तो क्या सभी जगह लग गई क्या? हाँ, सभी जगह लग गया, नहीं भी लगी तो मार दे रहे हैं क्योंकि बीमारी मत आए। कृषक बताते हैं कि तना छेदक के कारण धान की फसल की वृद्धि रुक जाती है, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, जिस कारण उत्पादन प्रभावित होता है, इसीलिए उसका उपचार जल्द से जल्द बहुत अधिक जरूरी है। क्या बीमारी आ रही है? कौन सी बीमारी लग गई है? तना छेदक है, ब्लास्टर है। क्या होता है इन बीमारियों में? दवा लाओ। नहीं, कैसी होती बीमारी है? बीमारी क्या पीली पत्ती होती है ना? क्या नुकसान होता है? नुकसान बहुत होता है। कैसा नुकसान होता है? नुकसान क्या, उसकी पत्ती जो गल जाती हो तो कहाँ से पौधा तैयार होगा? बड़गांव कृषि विज्ञान केंद्र के मुख्य समन्वयक डॉक्टर RN राउत के अनुसार धान की फसल में तना छेदक बीते वर्षों में भी लगते रहा है, जिसके लिए किसान परंपरागत तरीके से देसी उपचार भी कर सकते हैं। समय समय पर इस बीमारी का उपचार गौमूत्र का छिड़काव सहित अन्य उपचार किए जा सकते हैं।
समय पर उपचार नहीं किए जाने से फसल का उत्पादन बहुत अधिक प्रभावित होता है। लालबरा मुख्यालय से होकर गुजरे राज्य मार्ग क्रमांक 26 एवं बस स्टैंड में पूर्व में जिला प्रशासन के निर्देश पर राजस्व विभाग की अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही में नगर मुख्यालय के मुख्य मार्केट में मौजूद दुकानों के गंदे पानी की निकासी हेतु मौजूद मुख्य नाली को तोड़ दिए जाने से जाम हो गई थी, जिससे होटलों, दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों से निकलने वाला कचरा और गंदगी जाम होने से असहनीय बदबू आसपास फैल रही है। और ऐसे बदबूदार माहौल में स्थानीय व्यापारियों, दुकानदारों और राहगीरों को बरसात के पूर्व से ही भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तहसीलदार इंद्रसेन तुमराले के द्वारा जाम हुई मुख्य नाली का जायजा लिया गया तो पाया गया कि बस स्टैंड के किनारे मौजूद मुख्य नाली पूरी तरह से जाम हो गई है, जिसमें पिछले कई दिनों से जमा गंदा पानी भारी बदबू पैदा कर रहा है और बदबू भरे माहौल में दुकानदार व व्यापारी अपना व्यापार कर रहे हैं। शिकायत आ रही है जी, किस संबंध में शिकायतें आई थी? नाली चौक है। कहाँ की? बस स्टैंड राज्य मार्ग से सटी हुई। तो क्या पाया सर आपने यहाँ पे? चौक है ना, तो क्या उसमें आगे कार्रवाई हो रही है? आगे से जो ब्लॉकिंग है उसको खोली जाएगी, उसके बाद से फिर एक किनारे से पूरा मलबा साफ। ये तहसील के माध्यम से होने की जनपद कराएगी? जनपद कराएगी। लालबरा सरपंच अनीस खान और स्थानीय दुकानदारों ने अवगत करवाया कि पूर्व में बस स्टैंड में अतिक्रमण कार्यवाही के दौरान बस स्टैंड के प्रवेश द्वार में नाली के ऊपर मौजूद पिलर को तोड़ दिया गया और पूरा मलबा नाली में भर दिया गया, जिससे नाली जाम हो गई है और पानी की निकासी अवरुद्ध हो गई है। लालबरा नगर में इस समय जो बस स्टैंड के पास जो होटल है उनका गंदा पानी सड़क पर बह रहा है, क्योंकि वहाँ जो नालियाँ थी वो नालियाँ विगत दिवस जो है अतिक्रमण हटाओ मुहिम चली थी, उसके तहत वह पेक हो गई। जब जेसीबी चली थी तो उस समय संबंधित जो भी अधिकारी रहे होंगे उनने नॉन टेक्निकली काम किए और पूरा मलबा नाली के अंदर डाल दिया। इस बात को मैंने पहले कलेक्टर साहब को भी अवगत करा दिया था, सीओ साहब को भी अवगत करा दिया था, अखबार के माध्यम से आपने भी दिया था कि भविष्य में इसकी बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली। अब बात वही आई कि गंदा पानी आ रहा है और सड़क पर बह रहा है, इस हेतु अभी बैठक हुई है, आमजन बहुत सारे परेशान है। इसमें शासन प्रशासन, हमने कहे तहसीलदार साहब, सीओ साहब, आप मिलकर काम को देखें, जहां ग्राम पंचायत के सहयोग की जरूरत पड़ेगी, जिस चीज़ की जरूरत पड़ेगी। पांडरवानी पंचायत के बस स्टैंड के पास में जो नाली है वो ग्रामीणों का कहना है, हमने भी देखा है कि चौक हो गई है और उसके कारण जो है आने जाने वालों को बहुत परेशानी हो रही है, स्मेल आना शुरू हो गया है। तो इस ये नाली जो है दो पंचायत के उससे मिलकर बनी हुई है, एक पांडरवानी पंचायत और मानपुर पंचायत, दोनों के सरपंच सचिवों से हमने बात किया है और इसको जेसीबी से मलबा को तत्काल निकलवाने के लिए बोले हैं ताकि ये जो बदबू आ रही है वो उसका निराकरण हो सके। मानपुर वाले कल ही जेसीबी लगा करके और अपनी एरिया के जो नाली है उसकी साफ सफाई करा देंगे और कल ही पांडरवानी पंचायत। शहर के महाराष्ट्रीयन परिवारों द्वारा महालक्ष्मी का पूजन किया गया और इस दौरान 56 भोग का प्रसाद लगाया गया। दो दिवसीय पूजन के दौरान 5 सितंबर को महालक्ष्मी जी की स्थापना की गई, 6 सितंबर को 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया गया और 7 सितंबर को हल्दी कुमकुम के बाद रात्रि को विसर्जन किया गया। 5 तारीख को इनका स्थापना थी और कल इनका भोजन रखा गया था और आज इनका हल्दी कुमकुम है, हल्दी कुमकुम के बाद इनका विसर्जन किया होगा। इस दौरान क्या क्या कार्यक्रम हुए? यहाँ इनके 56 भोग लगाए गए थे कल भोजन में, 17 प्रकार की सब्जी, 17 प्रकार की रोटी, चटनियाँ, ये सब बनाया गया था। कौन लोग ये महाराष्ट्र की पूजा करते? महाराष्ट्रीय परिवार ही इसका मैं। जिला प्रशासन की टीम द्वारा शुक्रवार को शहर के बैहर रोड स्थित कायनात होटल में कार्यवाही के दौरान शासकीय काम में बाधा उत्पन्न करने वाले 6 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। टीआई कोतवाली विजय सिंह परस्ते ने बताया कि शुक्रवार को खाद्य विभाग, जिला प्रशासन, नगरपालिका की संयुक्त कार्यवाही के दौरान कायनात होटल के संचालक असलम खान, उनके अन्य साथी मोहम्मद नकी, अफाज खान, जफर अली, निसार अली, रजनीकांत पर शासकीय काम में सहयोग नहीं करने, बाधा पहुंचाने व अधिकारियों के वाहन को रोकने के मामले में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। जो बैहर रोड में होटल कायनात में दबिश दे करके वहां पर खाना बनाने एवं अन्य चीज़ों के संरक्षण के संबंध में कार्यवाही, उनके रजिस्ट्रेशन, रख रखाव, भोजन के रख रखाव आदि के संबंध में कार्यवाही करने के दौरान
नगरपालिका एवं खाद्य विभाग के अधिकारियों के को सहयोग न करते हुए होटल संचालक असलम खान एवं उनके अन्य सहपाठी साथी मोहम्मद नकी, अहफाज खान, जफर अली, निसार अली, रजनीकांत आदि के द्वारा शासकीय कार्य के दौरान बाधा उत्पन्न की गई तथा उनके द्वारा एक राय होकर के अधिकारियों के द्वारा की जा रही कार्रवाई में सहयोग नहीं किया गया तथा अधिकारियों के वाहन को रोकने पर आज दिनांक को वेद प्रकाश पुरी जो नगर पालिका परिषद बालाघाट में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदस्थ हैं उनके द्वारा एक शिकायत आवेदन दिया गया उस पर जो है आरोपी गणों के विरुद्ध धारा 353, 147, 341 के का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में दिया गया। सर, इन आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक होने है? आरोपियों की गिरफ्तारी शीघ्र होगी। चांगुटोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक ग्राम की दो नाबालिग आदिवासी छात्राओं को ही चार युवकों ने पहले अगवा किया, जिसके बाद करीब चार घंटे तक बंधक बनाकर उसके साथ सामूहिक रूप से बलात्कार किया, वहीं छात्राओं को छोड़कर फरार हो गए। इस मामले में शनिवार को चांगुटोला पुलिस ने पीड़ित छात्राओं की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ नाबालिग का अपहरण करने, रास्ता रोकने, सामूहिक रूप से दुराचार करने, पास्को एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। वहीं फरार आरोपी की तलाश कर रही है। चांगुटोला थाना प्रभारी प्रवीण कुमार चौहान ने बताया कि थाना क्षेत्र के एक ग्राम की दो 14 व 16 वर्ष की छात्राएं 6 सितंबर को अपने घर से साइकिल से सुबह करीब 10 बजे स्कूल जाने के लिए निकली थी, तभी रास्ते में एक बाइक पर सवार होकर आए चार युवकों ने उनका रास्ता रोककर उन्हें बंधक बना लिया। इन चारों युवकों को दोनों ही छात्राओं द्वारा पूर्व से जानती थी, जिनके द्वारा चारों युवकों के कहने पर दोनों छात्राएं रुक गई। थाना प्रभारी ने बताया कि सुबह करीब 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक बंधक बनाकर दोनों ही छात्राओं के साथ सामूहिक रूप से बलात्कार किया। जब दोनों छात्राएं 6 सितंबर को शाम करीब 4:30 बजे अपने घर पहुंची और घटना के बारे में उनके परिजनों को जानकारी दी, इसके बाद गांव के सरपंच के साथ पीड़ित छात्रा उनके परिजन 7 सितंबर को चांगुटोला थाना पहुंचकर FIR दर्ज करवाई। पीड़ित छात्राओं की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। वहीं आरोपियों की तलाश के लिए टीम रवाना भी कर दी गई है। जल्द ही चारों आरोपियों की गिरफ्तारी होने की संभावना है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कलेक्टर दीपक आर्य ने दी व्यापारियों को हिदायत, 15 दिन में सुधर जाए वरना होगी बड़ी कार्रवाई। प्रशासन की टीम का सहयोग नहीं करने और शासकीय काम में बाधा पहुंचाने के मामले में कायनाथ होटल के संचालक सहित 6 पर मामला दर्ज। जिला अस्पताल को 6 डायलिसिस मशीन मॉड्यूलर ऑटिस की सौगात। 200 सरपंच सचिव को वसूली का नोटिस, समय पर राशि जमा नहीं करवाने वाले जाएंगे जेल। जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन, 50 छात्राओं का हुआ संभाग स्तर पर चयन। लालबर्रा में अधिकारियों ने किया निरीक्षण, सफाई व्यवस्था के लिए दिए निर्देश। और 7 दिन में खुशखबरी की बारिश, जिले के सभी छोटे बड़े जलाशय 80% भरे। तो ये थे अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपना एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही, अगली न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।